बिहार के कांग्रेस पार्टी की यूनिट को बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ऐतिहासिक रैली, जबरदस्त ऐतिहासिक रैली बिहार में करके दिखा दी और एक साथ मिलकर आपने ये काम किया। कांग्रेस पार्टी एक है और मैं हमारे हर कार्यकर्ता को, हर नेता को और गठबंधन के हमारे सब नेताओं को दिल से धन्यवाद करता हूं कि बिहार में अब विपक्ष की सरकार आने वाली है। सब लोग मिलकर बिहार से बीजेपी और नीतीश जी को हटाने जा रहे हैं। ज्यादा समय नहीं बचा है, इसके गहरे कारण है। बड़े बड़े वायदे किए, जहां जाते हैं मोदी जी कोई ना कोई वायदा कर जाते हैं, नीतीश जी की भी आदत है। कुछ दिन पहले मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में बजट में बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। बीजेपी के नेताओं ने कहा ऐतिहासिक निर्णय लिया है और धड़ाधड़ 5 मिनट उन्होंने ताली बजाई, किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया। मोदी जी यूं ताली बजा रहे हैं, पता है क्या ऐतिहासिक काम किया? हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिन के दिए, किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। अनिल अंबानी को, एक व्यक्ति को आप 30,000 करोड़ रुपए देते हो, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए देते हो, मेहुल चौकसी को 30,000 करोड़ रुपए देते हो, विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए देते हो और हिंदुस्तान के किसान के परिवार को 3.5 रुपए देते हो और फिर ताली बजाते हो कि हां हमने बहुत बड़ा काम किया। मोदी जी मुस्कुराते हैं। भाई और बहनों, आपको लाइन में खड़ा किया। 8 बजे रात को मोदी जी टीवी पर आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों 500 रुपए का नोट, 1,000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा, काला धन बदलना है, 500 का नहीं चलेगा, 1,000 का नहीं चलेगा, इसको मैं रद्द करूंगा, मुझे तो 2,000 रुपए का नोट चाहिए। काले धन को सफेद करना है, ये मेरे 15-20 मित्र हैं, अरबपति हैं, 2,000 रुपए के नोट की जरूरत है। आपको लाइन में खड़ा किया, आपसे कहते हैं बैंक के सामने खड़े हो, महिलाओं से कहते हैं आपका जो पैसा है, जो आपने बचा के रखा, वो आप बैंक में डालो। किसान से कहते हैं खेत में मत जाओ, 4-5 दिन बैंक के सामने खड़े हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। आप सबको लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकालते हैं, बिहार की गरीब जनता के जेब में से पैसा निकालते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी, डायरेक्ट आपका पैसा उनकी जेब में जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी, भाइयों और बहनों। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, 15 लाख रुपए आपको मिलेगा, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेगा। मिल गया है यहां पे कोई जिसको 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिले ना? मगर किसानों को 3.5 रुपए, एक परिवार को 17 रुपए, अपमान किया है आपका, अपमान किया है बिहार का, हिंदुस्तान के किसान का।
मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ देखिए। आज कमलनाथ जी मुझे बता रहे थे उद्योगपतियों के लिए बीजेपी के सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने करोड़ों रुपए कर्जा माफ किया, मगर किसानों का एक रुपया नहीं माफ किया। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक रुपया नहीं माफ किया। नरेंद्र मोदी ने एक रुपया नहीं माफ किया। हमने इलेक्शन में वायदा किया था, 15 लाख का वायदा नहीं था, झूठा खोखला वायदा नहीं था, नरेंद्र मोदी वाला वायदा नहीं था। हमने साफ कहा था, देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, और कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति इसको रोक नहीं पाएगी। भाइयों और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, कमलनाथ जी ने तो 15 मिनट में काम कर दिया, बघेल जी ने उनके एकदम बाद 1 दिन के अंदर काम कर दिया, अशोक गहलोत जी ने 2 दिन के अंदर काम कर दिया। 2 दिन के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ करता है, हिंदुस्तान का किसान एक के बाद एक हाथ जोड़ के कहता है उनसे, हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दो। अरुण जेटली जी कहते हैं, नहीं हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं करते, चिल्लाना है जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ नीरव मोदी अनिल अंबानी का करेंगे। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का दौरा लगता था, कभी फ्रांस जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया गए, एक के बाद एक दौरे लग रहे हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, चले जाते हैं, वापस आते हैं। अब सच्चाई पता लगी है भाइयों और बहनों, ये देखो बोलने से पहले धड़ाम से, पहले नारा लगता था अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे। अब नारा सुनिए, मोदी जी सुनिए, चौकीदार 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 चौकीदार। फ्रांस जाता है, वहां चोरी करवाता है, अमेरिका जाता है, वहां आर्म्स डील कराता है, चोरी कराता है, इंग्लैंड जाता है, वहां आर्म्स डील करा के चोरी कराता है। भाई और बहनों, अनिल अंबानी 1,00,000 करोड़ रुपए कर्जा है उस पर, 1,00,000 करोड़ रुपया, मतलब जितना पैसा अनिल अंबानी ने लिया उससे आप देश में 3 मनरेगा चला सकते हो। 3 बार आप हिंदुस्तान के मजदूरों को रोजगार दे सकते हो, उतना पैसा अनिल अंबानी स्वयं ले गया उठा के। एचएल को कांग्रेस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कांग्रेस पार्टी ने फ्रांस की सरकार से साफ कह दिया था, देखिए राफेल हवाई जहाज अच्छा है, 126 हवाई जहाज चाहिए, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए देंगे, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, बिहार के युवाओं को फायदा होगा, कर्नाटक के युवाओं को फायदा होगा, ओडिशा के युवाओं को फायदा होगा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को फायदा होगा। पूरा मामला तैयार था, 126 हवाई जहाज मिलने थे। चौकीदार प्रधानमंत्री बनता है, डायरेक्ट भैया हवाई जहाज में जाता है फ्रांस, जैसे अभी आपने हवाई जहाज देखा, ऐसे हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ छोटे से हवाई जहाज में अनिल अंबानी, डबल। फ्रांस में लैंडिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी सूट पहन के निकलते हैं,
पहले होलैंड जी से गले लगते हैं, गले मिलाते हैं 3 बार, फिर कहते हैं होलैंड जी आइए बैठिए मेरे साथ। होलैंड जी बैठते हैं, कहते हैं देखिए ये 526 करोड़ रुपए छोड़ो, हम आपको 1600 रुपए देंगे, 1600 करोड़ रुपए देंगे। एचएल को परे करो, अनिल अंबानी है उसको आप हवाई जहाज दो। राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना? हाँ चाहिए साहब, तो अनिल अंबानी को दिलवाओ, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला। मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, मैं डिसीजन मेकर हूं, मैं काम करूंगा, मगर अनिल अंबानी को दे देना। नरेंद्र मोदी जी वापस आते हैं, पर्रिकर जी कहते हैं भैया मुझे नहीं मालूम, नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लोग कहते हैं भैया ये क्या कर दिया, 8 साल से हम लगे हुए हैं, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज, देखो हवाई जहाज जा रहा है। ऐसे गए थे नरेंद्र मोदी जंबो जेट में फ्रांस गए थे, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाला, 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में डालते हैं, शर्म की बात है। 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में, 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में, 3.5 रुपए एक व्यक्ति परिवार के एक व्यक्ति को। चौकीदार चोर है पूरा देश जानता है। बिहार आते हैं और आप अपनी जगह पहचानिए, आपको अपनी जगह नहीं भूलनी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी की जमीन है, यहां पहले पूरी दुनिया से लोग आया करते थे शिक्षा के लिए, पूरी दुनिया से लोग बिहार आते थे। आप अगर आप पूछते नालंदा के समय, अगर आप पूछते भैया यूरोप में, इंग्लैंड में आप पूछते भैया, किसी युवा से पूछते कहां पढ़ाई करनी है, वो आपसे कहता मैं बिहार में जाके पढ़ना चाहता हूं। और आज जब आपके लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहा जाता है ना 3 साल, 4 साल, 5 साल, नहीं आपको नहीं मिलेगी डिग्री, नहीं मिल सकती आपको, आपको तो 5-6 साल में डिग्री मिलेगी। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर नहीं है, पूरा ढांचा बंद पड़ा हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी, नहीं नहीं आप थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि आपका काम है वो पूरा करना है। पटना यूनिवर्सिटी जो पूरे देश को रास्ता दिखाती थी, उसकी हालत बिहार का हर व्यक्ति पहचानता है। नरेंद्र मोदी जाते हैं कहते हैं 21वीं सदी में हम शिक्षा को बदल देंगे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, स्वच्छ भारत, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मोदी जी आपने पटना यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया है बता दो मुझे, बिहार के युवाओं को आपने कितना रोजगार दिया? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल में रोजगार दूंगा, यहां पे कोई युवा है जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया हो? ना। देखिए मैंने वहां पे वायदा किया था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। अब आप एक वायदा सुन लीजिए, पटना की जनता सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाएगा। ले
आप पहले शिक्षा का सेंटर हुआ करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर, पटना यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में मशहूर, सब लोग यहां आना चाहते थे, मगर आज आप शिक्षा के सेंटर नहीं हो। आप जानते हो आज आप किस चीज के सेंटर हो? बेरोजगारी के। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। बिहार का युवा पूरे देश में चक्कर काटता है। आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाओ और बिहार के युवा से पूछो, भैया करते क्या हो? जवाब मिलेगा, कुछ नहीं करते। मोदी जी ने रोजगार दिया ना? नीतीश जी ने रोजगार दिया ना? अच्छा भैया, कोई आपसे कहेगा हां भैया मैं रोजगार ढूंढने गुजरात गया, मोदी जी के गुजरात गया, वहां मुझे कहा तुम बिहार के हो, मुझे मार के वहां से भगाया गया। महाराष्ट्र गया, वहां से मुझे बीजेपी शिवसेना के लोगों ने मार के भगाया, कहा वापस भगा बिहार जाओ, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मगर आप में कोई कमी नहीं है, आप एक बार फिर शिक्षा का सेंटर बन सकते हो। एक समय हुआ करता था बिहार का किसान 27% देश की 27% चीनी आप देश को देते थे, आपका किसान देता था। आज 2% चीनी देते हो आप देश को। आपसे शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया, कृषि छीन ली। लंबे लंबे भाषण होते हैं, मोदी जी कहते हैं किसान को मैं सही दाम दिलवाऊंगा, बोनस छीन लिया। अच्छा, देश में नया फैशन चला है मोदी जी ने, किसान अपनी जेब से पैसा दे, बीमा के लिए पैसा दे। हर गांव में, हर प्रदेश में अपने जेब से पैसा निकाल के बीमा के लिए दे, के भैया कभी बारिश आएगी, ओला गिरेगा, आंधी आएगी, मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। पता लगता है वो भी पैसा अनिल अंबानी की जेब में, नीरव मोदी की जेब में।